हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ने पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों देखो, प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। प्री बोर्ड में हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे चैप्टर रिवाइज हो जाने चाहिए अच्छे से, और बोर्ड का ये रहता है कि हर टाइप का क्वेश्चन उसमें आना चाहिए। उसमें आसान भी होगा, मुश्किल भी होगा। तो हम आपको प्री बोर्ड के लिए कुछ बताएंगे क्वेश्चंस, कुछ रिवीजन कराएंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ प्री बोर्ड में काम आ जाए, कुछ बोर्ड में काम आ जाए। जब बोर्ड का पेपर होगा आपका, तो उससे पहले मैं कई एक वीडियो अपलोड करूंगा रिवीजन सेशन के नाम से। तो बच्चों, ये हमने क्या लिखा, क्लास 10 रिवीजन सेशन पार्ट 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो किस टाइप का क्वेश्चन प्री बोर्ड में पॉसिबल है, हो सकता है? तो देखो, हमारे पास जो चैप्टर है उनमें एक चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद आगे की तरफ निकल लेंगे। तो बारी बारी से हर एक चैप्टर के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर पहुंचते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 14 क्वेश्चंस होंगे सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 3 मार्क्स के और कुछ 4 मार्क्स के होंगे। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है वो फैक्टराइजेशन हो सकता है, ठीक है, या बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा सकता है। जो 3 मार्क्स का हो सकता है वो हो सकता है के की वैल्यू फाइंड आउट करवा ले नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू। तो हम कुछ एक क्वेश्चन हर टाइप का कराने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। यहां लिखा हमने कि 4√3 एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x और -2√3 दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, किसी से भी इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये मैंने रूट में इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सिंपल सी मान लो इक्वेशन होती तो वो 1 नंबर के वेटेज की होती, 2 नंबर के वेटेज की नहीं होती। तो इसलिए मैंने इसको क्या रखा कि 2 नंबर का वेटेज दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 = 24। अब 5x को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना जिनका मल्टीप्लीकेशन -24 हो जाए, और सम करने पर प्लस का 5x, तो बहुत आसानी से हो जाएगा 4√3 एक्स का स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x -2√3 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर, इस ये भी डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x कॉमन ले लिया तो √3x बचा प्लस 4 × 8 बचा। इसमें बच्चों क्या किया कि माइनस का √3 अब कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3x प्लस का 2 बचेगा दिस इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस √3 दिस इज इक्वल टू 0, और एक तो ये फैक्टर बन गया और दूसरा √3x प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या हो सकता है कि 4x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3/4 और ये √3/x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/√3, ओके। √3 में इसको चाहूँ तो रेशनलाइज भी कर दूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2√3 / 3, लेकिन दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं।
तो इस टाइप का पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हो। ओके, मतलब दो नंबर के वेटेज के लिए एक परफेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने यहां से लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सेवन के माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल टू। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि होना ही है। भाई इक्वल रूट्स लिखा हुआ है तो इक्वल रूट की कंडीशन डी इज इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट, डी इज ग्रेटर देन जीरो, ओनली रियल के लिए डी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और डी इज लेस देन जीरो, देन वी फाइंड द इमेजिनरी रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा मतलब इन कंडीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पक्का होना है, किसी का भी कहीं से भी पेपर हो, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि डी इज इक्वल टू फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए बच्चों क्या होगा कि डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो डी डिस्क्रिमिनेंट है, और तो डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर ए बराबर कितना है वन, बी बराबर कितना है माइनस टू के, और सी बराबर क्या है कि सेवन के माइनस का ट्वेल्व, यहाँ पर पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है माइनस का टू के, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस फोर, ए इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू सेवन के माइनस ट्वेल्व। ठीक है, तो ये क्या आ गया फोर के का स्क्वायर, माइनस फोर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 28 के और प्लस का 48, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फोर से ये पूरा डिवाइड किया जा सकता है तो के स्क्वायर माइनस सेवन के और प्लस का 16, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इससे के की क्या है कि वैल्यू निकाली जा सकती है, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें, इसमें फैक्टराइज कर दें। ठीक है, तो फैक्ट हो सकता है कि फैक्टराइजेशन जैसे माइनस यहाँ पर आया हुआ है, तो अब के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस 16, भाई 8 2 16 होता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्या होगा कि के की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द आंसर। ओके बच्चों, अब देखो तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आना जरूर है, कंपल्सरी है, पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि डिजिट्स विल बी चेंज, किसी भी स्कूल का कहीं से भी कोई भी टीचर अगर पेपर बनाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में कंपल्सरी होना है। फिर फोर मार्क्स में बच्चों क्या है कि हमारा जो होगा वो एक क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, और वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको एक सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डाली है, अपलोड कर रखी है, उस सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आप देखेंगे स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। भाई चैप्टर बहुत अच्छा है, तो बहुत तो इसका वेटेज भी कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम आप भाई वर्ड प्रॉब्लम एक स्पीड पर आप कंसंट्रेट करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि स्पीड वाला अगर क्वेश्चन है तो उस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे जल्दी कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस चैप्टर से मैं यही कराऊंगा, इसके बाद और आगे की तरफ देखता हूँ नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी बच्चों क्या होगा कि क्वेश्चन दो नंबर का होगा, एक तीन नंबर का होगा, हो सकता है कि एक चार नंबर का हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा। ठीक है,
तो देखते हैं। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि जैसे ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टी होता है। एस एन क्या होता है कि एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है। ठीक है, ये दो फार्मूला हमने क्या करना है कि मेनली यूज करना है। ए क्या है पता है कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो हो सकता है बच्चों क्या हो कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करवा ले, हो सकता है कि किस टाइप का क्वेश्चन हो, मैं जरा इसमें तलाश लूं बुक में, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज करो ये लिखा है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी की मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, क्या दे रखी है, रूट ऑफ 18। ये बच्चों दो नंबर के लायक है, रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 98, रूट ऑफ 50 और रूट ऑफ 98। ऐसे ये हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो देखो यहाँ 18 लिखा हुआ है या 50 लिखा है या 19 लिखा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ। 18 क्या हुआ कि 29 जा 33 जा तो 3 बन जा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3√2। ऐसे ये हमारा क्या बन जाएगा 5√2। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसके भी फैक्टर कर लो, 98 249 7√2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3√2 5√2 7√2, अब कितना हो जाएगा, 9√2 हो जाएगा, 11√2 हो जाएगा। चाहे जितनी टर्म्स हम यहाँ पर क्या करें कि लिख सकते हैं वो सारी किस में होंगी कि एपी में होगी। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का हो सकता है उसको भी लिखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, यहाँ लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। या हमने क्या कहा कि ऐसे लिख लिया इसको कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। एपी में क्या दे रखी, ऑफ द एपी, एपी में दे रखी है कि 4914.254। यहाँ हम और क्या लिख सकते हैं कि और ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी, और एपी हमने ही लिख लिया 4914254। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ, तो ऐसा तो हमारी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी है, एक एक्सरसाइज में दे रखा है, तो कि भाई इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4914 और 254। ठीक है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो इसको रिवर्स में कर दो, कॉमन डिफरेंस कितना है 9 माइनस 4 5। ठीक है, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, इससे पहले वाले की टर्म क्या हो सकती है 4914, अगर इसमें से 5 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा .249 से पहले क्या हो जाएगा 244। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 254। तो अब इसको आप रिवर्स कर दो और आगे से क्या करो कि 10th टर्म फाइंड आउट कर दो, यानी 254 टेक 249 244, और ऐसे डॉट डॉट पुट कर दो, और पुट डॉट डॉट के बाद क्या आ गया 14 आ गया 9 आ गया 4 आ गया।
अब आगे से आप टेंथ टर्म फाइंड आउट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्या कह रहा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। इसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एन की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लो एन की वैल्यू। ठीक है, ए एन बराबर कितना दे रखा है, 254। अब नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करो कि ऑड नंबर में आई, ठीक है ना। मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, कि मैंने सपोज कर लिया कि 11 आए, तो सिक्स्थ टर्म मिडिल टर्म होगी, है ना। और अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्म 10 आए, तो 5 और 6 दोनों मिडिल टर्म में काउंट होगी, तो वो दोनों ही आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और देखते हैं, और बताते हैं आपको। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो बच्चों हर क्वेश्चन को करना मेरे लिए इस एक वीडियो में डिफिकल्ट है, तो मैंने पहले से बहुत सारी वीडियो इस चैप्टर से अपलोड कर रखे हैं, आप वहां रिवीजन सेशन के नाम से ही अपलोड है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको बेनिफिट होगा तभी। देखो और लिखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल के प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल दिस दिस एंड दिस आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब k की क्या वैल्यू पुट कर दें ताकि ये तीन कंटिन्यूस टर्म्स बन जाए एपी की, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ऐसा एक 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, थर्ड या फोर्थ वाला, तो 2k माइनस 1 और माइनस लिखा k प्लस 9 लिखा इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस का पर। अब ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, माइनस 1 माइनस k माइनस 9 और 2k प्लस का 7 माइनस 2k प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 2k में से एक k गया तो k बचा, माइनस 1 ये माइनस का 10 हो गया, ये कितना हो गया प्लस का 8 हो गया, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो गई 18। हो सकता है कि कोई वर्ड प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप ज़्यादा फोकस करेंगे 5.2 एक्सरसाइज पर। ठीक, एक और क्वेश्चन बताते हैं इससे रिलेटेड, सपोज करते हैं कि हो सकता है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिखा, क्या लिखा, इफ द nth टर्म ऑफ 2ap nth term of 2ap 975 and 24 21 18 are the same, then find n. Also find that term. ठीक है, तो ये देखते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ 2ap, nth टर्म मतलब an, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो ये an दोनों ap की सेम है, इस ap की भी और इस ap की भी। अगर इस ap से an की वैल्यू निकालोगे
तो ये हमारी क्या आ जाएगी कि an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 9 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7 माइनस 9 माइनस 2। और इस वाली ap से अगर an निकालोगे तो क्या आ जाएगा कि 24 प्लस n माइनस 1 और 21 माइनस 24 माइनस का 3। ठीक है, अब ये कह रहा है ये दोनों सेम है तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे, तो 9 प्लस n माइनस 1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 24 प्लस n माइनस 1 माइनस का 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे कि n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं उस टर्म की वैल्यू फाइंड आल्सो फाइंड द दैट टर्म, वो टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फिर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और बच्चों देखो, ज़्यादा बर्ड प्रॉब्लम पर आप इसलिए नहीं फोकस करेंगे क्योंकि द बर्ड प्रॉब्लम इज इन टू द डिलीटेड पार्ट। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके बाद हमारे पास क्या चैप्टर आता है कि टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब सर्कल वाला चैप्टर। अब देखो जो सर्कल वाला चैप्टर है वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें पहली बात तो ये कि आपको फोकस करना है किस पर, आपको फोकस करना है कि जो थ्योरम हमारे पास है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है ना, वो थ्योरम आप बहुत अच्छे से उसको कर ले। उसके अलावा दो चार क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन जो है दूसरी वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। ठीक, और द वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, एक तो लाइक बनता ही है, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइक आइक करते ही नहीं। ठीक है, तो लाइक कर दें, आपके लिए मैं एफर्ट करता हूँ, आप अपने लिए बहुत कम एफर्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।